हुआ था शूट आउट और वो बने गोली के निशान, ये देखो। और इस जगह गोली मारी है, देखो निशान भाई, ये देख रहे हो गोली के निशान। तो ये वैक्स स्टैचू बनाया था सिद्धू मूसे वाले भाई का, ये देखो कितनी सारी राखी है। ये देखो भाई, ये पूरा खूंटा लग गया। मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना बूम गौरव जोन। तो भाई आप सभी को पता है कल और परसों मेरा कितना हेक्टिक दिन था। कल अपन ने फेसबुक का मेटा इवेंट अटेंड करा, वहाँ से आए और फिर अपन ने लगवाया अपनी गाड़ी में अलॉयज, और फिर भाई रात के 2 या 3 बज चुके थे तो अपन यहीं रुके। अभी हमें पंजाब में, पंजाब एग्जैक्ट लोकेशन में बार बार ही भूल जाता हूँ, बताता हूँ। तो ये हमारा होटल है, रेडिया जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है, अभी बज गए 2:15। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आज अपन ना, मतलब मेरे को टायर वाले भैया से फिर एक बार ही मिलना है, कुछ काम है छोटा सा, टायर अपने पार्सल कराने। जो मैंने स्टॉक है ना वो वापस नहीं दिया है मैंने रिटर्न में, है ना, तो वो भी रखे हैं, क्योंकि भाई ये 20 इंच क्या है, कम्फर्ट है लेकिन वैसे वो वाला सौदा नहीं किया एक्सट्रीम, मतलब आप लद्दाख उन पे जा रही है वो, है ना। तो मैंने स्टॉक एक पेयर रख लिया था कि मैं लद्दाख या ऑफ रोडिंग करूंगा तो उनसे करूंगा, अपने महंगे अलॉयज का 2-2.5 लाख रुपए का सौदा, इनको खराब नहीं करूंगा। ये उठा लेंगे फिर अपन चलते हैं सिद्धू मूसे वाले पाजी के घर आज अपनी थार को लेकर। भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो अपन इस होटल में रुके थे, द रेडिएंट प्लाजा करके कोई है यहाँ पे, सबसे बेस्ट होटल यही है, बरनाला में रुके हैं अभी अपन। इतना उबल रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ है भाई। तो ये देखो भाई बरनाला में अपन अभी, और भाई यहाँ पे ना आबादी बहुत ही कम है भाई। अपन आगे है जैन व्हील्स पे, तो यहाँ पे लगे थे अपने अलॉय, तो अभी उतरते हैं भाई। मैंने रात को ना यहाँ जैन व्हील्स पे लगाया था, तो रात को इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, अंधेरे में लगवाए थे मैंने क्योंकि लेट हो गया था मैं बहुत। तो भाई इन पे खड़ी रहती है गाड़ी, ये देख रहा हूँ ये सारी अलॉय व्हील्स लगने वाली। चले अंदर, तो भैया मेरे को अभी लग रही थी भूख, तो अभी अपन जा रहे हैं सिद्धू मूसे वाला भाई जी के पिंड जा रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा काम था अलाइनमेंट करानी थी, टायर रखवाना था, इतने मैं खाना खा लूँ, ये 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। तो क्या क्या आया भाई ये, ओए होए तेरी, खाओगे आप, खा लो हमारे साथ। तो आ जाओ खा लो मनीषा। मेरे ना 5 टायर लग गए हैं, मैंने अभी ना पीछे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर जो गेट है ना गड़गड़ गड़गड़ अलॉय के वजन की वजह से ना आवाज करता, तो मैंने टायर उतार दो ताकि हल्का रहे, टायर में ऊपर डाल के ले जाऊंगा इसके कॉम्फी के टायर जो है। तो अभी इसकी अलाइनमेंट कराते हैं फिर निकलते हैं ना। तो अभी भाई इसकी होगी अलाइनमेंट और फिर ये हो जाएगी चकाचक। देखो धकाधक भाई, एक गाड़ी में एक दिन में कितने अलॉय डालते हो, कितनी गाड़ियों में पता नहीं, बताना नहीं चाह रहे भाई। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया भाई, कितने लोग आते हैं लोग अलॉय डलवाने भाई, इतने लोग शौकीन है पंजाब में, ये देखो यहाँ पे ना क्रेज ज्यादा है। सही है, देखो अकाउंट से जा रहे हैं पैसे, दुख नहीं हो रहा भाई साहब, खुशी हो रही है। गाइस मैं फिर से बता दूं, मैंने जितने भी मैंने अपने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं वो जैन व्हील से लगवाए हैं, पंजाब बरनाला में। स्क्रीन पे इनकी डिटेल आ रही होगी, आधे रेट में, मतलब आधे क्या, मतलब बहुत सस्ते रेट्स में देते हैं अलॉय व्हील्स भाई साहब। सुनो एक चीज और बोलूंगा, अगर कोई मेरे नाम से आए ना तो उसको डिस्काउंट जरूर दोगे, डन है ना, मेरा नाम लेके आए, नाम लेके आए, तब भी लेके आए, ये होगा। तो भाई जब भी तो भीड़ रहती है भाई यहाँ पे, ये सीन आ गया भाई हमारा एक्स्ट्रा टायर। ये बता दूं भाई साइज क्या है इसका, ये मैंने लगवाए हैं कंफर्ट फिटर 12-20 है, मतलब भाई बहुत ही चौड़ा है, देखो मेरा हाथ है भाई, हल्क का हाथ, तब भी नहीं हो पा रहा, देखो भाई बहुत ही चौड़ा टायर है भाई। अब तुम चलाओगी गाड़ी, क्या बात। तो ये जो मेरा टायर है भाई कह रहे हैं मैं वो कर दूंगा, पोर्टर कर देंगे, मेरे घर ही आ जाएंगे। हाँ जो स्टॉक टायर अलॉयज है और ये जो एक्स्ट्रा एक टायर है, मतलब टोटल 6 चीजें हो जाएंगी, तो मेरे घर ही पोर्टर कर देंगे। देख रहे हो कितने कोऑपरेटिव बंदे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो अभी चलते हैं भाई, आराम से चलाना भाई, अभी नए टायर अलॉय डलवाए हैं, बहुत ही भयंकर लगे। चला लोगी ना पक्का, ये देखो देखो गाड़ी यहाँ से नहीं निकाली जा रही, निकल जाएगी यार, निकालो, देख लो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस लड़की को। अरे रुक जाओ, स्टीयरिंग मुड़ नहीं रहा कार का, और ये थार चलाएगी, चल लगाई। ये देखो भाई ये आ गया है हाईवे, अब यहाँ से अपने को राइट लेना है मानसा के लिए। ये देखो भाई 45 मिनट्स और 47 किलोमीटर्स ही है, पास में है भाई। मैंने अभी ना एवरेज टेस्ट करेंगे हाईवे पे, तो एवरेज रीसेट कर दिया, और मनीषा चला रही है, कितने की स्पीड पे चल रही है अभी गाड़ी, चला रही हूं 80 पे चल रही है अभी, कैसा लग रहा है मुझे है ना, पता है गाड़ी ऊंची हो गई है और ना टायर जो बबली से है ना वो अच्छे से लग रहे हैं, फील अच्छा आ रहा है। तो गाइस मैं बताता हूं रिव्यू, सबसे पहले तो गाड़ी ऊंची हो गई है, इतनी इतनी ऊंची हो गई है, ठीक है। दूसरा वो भाई मानसा जैसे आती है ना भाई, सिद्धू मूसे वाले के पोस्टर लग गए हैं, ये देखो भाई,
ये देखो भाई सिद्धू मूसे वाले के पोस्टर चालू हो चुके हैं यहाँ से। दूसरा जो गड्ढे की फील है ना, मतलब गाड़ी गड्ढों में से आती थी तो कम हो गई है क्योंकि टायर मोटे हो गए ना, तो स्पंजी हो गई है गाड़ी, गड्ढे फील नहीं होते। एक नेगेटिव चीज मेरे को लग रही है, जब गाड़ी 80 या 100 के ऊपर जाती है ना, तब जैसे हमने राइट मोड़ा ना तो डिले हो गया है ना, मतलब पहले तुरंत कट जाती थी ना, अभी थोड़ी देर से कटती है, तो उससे ना हैंडलिंग में कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है बस। और हाई स्पीड में मतलब कंट्रोल कम हो रही है भाई, 80 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, यहाँ से लेफ्ट लेना आगे से आगे से, और 14 की एवरेज दे रही है भाई, एवरेज में यानी कि कोई कमी नहीं थी। यहाँ से जाना था मनीषा, तो भाई अभी अपन जा रहे थे तो मैं, मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए, वही सोचो यहाँ भी सिद्धू मूसे वाला भाई के पिंड में भी। हाँ वीरे क्या हाल है, व्लॉग्स व्लॉग्स देख रहा भाई, व्लॉग्स देख रहा है भाई। भाई एक चीज बता, अच्छा सिद्धू मूसे वाला भाई लगा रखे हैं टंकी पे। भाई एक बात बताइए यार, जैसे मैं भाई का पिंड देखने आया था तो ये शूट आउट वूट आउट कहाँ पे हुआ था यार? कौन सा? वो जो भाई के गोली वोली मारी थी, कौन सी जगह मारी थी? वही पिंड में ही मारी थी। थार बहुत अच्छी है, थार अच्छी लग रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। वो बेच दी यार, वो बेच दिया, वो बेच के पैसा आया उससे ताला ले लिया। तो ये कर रहे हैं गौरव जोन, गाड़ी का शीशा साफ अच्छे से, यहाँ पे भी अच्छे से रगड़ रगड़ के, अच्छे से रगड़ रगड़ के, अच्छे से रगड़ रगड़ के करो भाई। मूसे वाले भाई के पिंड जा रहे हैं, एकदम क्लियर दिखना चाहिए ना व्लॉग बना तो साफ। अभी अपन आ गए हैं मानसा, जस्ट भाई 4 मिनट की दूरी पे है, और यहाँ भाई बहुत सुकून है लाइफ में। नहीं जैसे दिल्ली में बहुत डिप्रेसिंग लाइफ है ना, बहुत फास्ट लाइफ है, यहाँ लोग चिल करते हैं बस। चिल क्या मतलब, आराम से खाते पीते सुकून में रहते हैं। देखो गेड़ी मार रहे हैं, लोगों पे टाइम नहीं आजकल के स्कूल के बच्चों पे ऐसे घूमने का। मानसा सिटी के लिए लेफ्ट, मानसा पंजाब का एकदम ठेठ गांव है भाई, यहाँ सारे आपको सरदार मिलेंगे भाई। मानसा में हमें जाना है रेलवे स्टेशन के उस पॉइंट, पहले हम वहाँ जा रहे हैं। देखो लोग ना देख रहे हैं भाई, लड़की थार चला कैसे रही, हर आदमी देख रहा है। देखो भाई झुक झुक के देख रहा है, लोग ही भाई फट गई है भाई, जब देख रहे हैं मनीषा भाई। होता है कि छोटी सी लड़की थार से मार गया है, हाँ वही देख रहे, और आलाय वाले लगे पड़े हैं ना, तो हर आदमी देख रहे हैं। देखो इसकी भी नजर यही है। तो भाई ये मानसा, भाई ये पूरी मानसा की मार्केट है ये देखो भाई। तो अभी अपन जा रहे हैं पहले डेथ पॉइंट पे, जहाँ से सिद्धू मूसे वाले भाई को गोली लगी थी। ओ तेरी मेन भाई, इसके जो ये अलॉय का लुक है ना भाई, ये जो बाहर आ रखे अलॉय, ये बड़े सेक्सी लगते हैं भाई, ये देखो धड़ाधड़ सेक्सी लग रहे हैं। तो भाई ये देखो लेफ्ट लेते ही, हाँ यहाँ पे हुआ था शूट आउट, और वो बने गोली के निशान, ये देखो बने हुए पीछे, और इस जगह गोली मारी है। ये देखो मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी है ना, तो मेरे को पता आइडिया है। ये देखो इस जगह गोली मारी है, इस जगह ये जो देख रही हो क्रॉस, यहाँ पे मारी है गोली। अच्छा, हाँ नहीं उनका क्रॉस नहीं है, लेकिन पहले से ही था, लेकिन यही जगह थी। देखो निशान भाई, ये देख रहे हो गोली के निशान, ये देखो भाई ये पूरा टेढ़ा पकड़ दिया, ये देख रही हो है ना, और उस जगह मारी थी गोली। देखो भाई ये मंदिर की दीवार है जहाँ गोली लगी थी, ये देखो लेमिनेशन करा लिया इन्होंने, तो लेमिनेशन करा लिया और भाई की फोटो लगा दिया। सही करा यार, बुरा लगता है भाई आके, वहाँ पे हुआ था शूट आउट, मेरा मूड सा ऑफ हो गया भाई। जिस बंदे गाने सुनते आ रहे थे भाई, मेरा बड़ा मन था कि भाई उनसे मिलूंगा, और मैं मिलता भी, बट ऐसे नहीं पता था कि मानसा ऐसे आएंगे। मैंने सोचा था भाई उनके घर जाके व्लॉग करेंगे, उनके साथ एक दो व्लॉग करेंगे, कोलैब करेंगे, थार में घुमाएंगे अपनी, बट सपना सपना ही रह गया। जगह थी ठीक है, और वहाँ शूट आउट हुआ था। अब चलते फटाफट हवेली अंधेरे होने से पहले, यहाँ भी सब्सक्राइबर आ गए, भीड़ लग गई फटाफट। देखो यहाँ हर जगह मूसे वाला भाई है यार, हमारे यहाँ पे लोग ना बहुत इज्जत देते हैं, जो कि अच्छी बात है कि सपोर्ट करते हैं ना। यही एक दिल्ली है, वहाँ ज्यादा कोई भी मतलब इन्फ्लुएंसर होगा ना, उससे मजे लेते रहेंगे है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए भाई सोसाइटी को। अगर आपके यहाँ से कोई निकल रहा है तो उसे जलो मत, क्योंकि मैं, मेरे को पता है ना, जब मैं फेमस हुआ था तो मेरे आसपास पड़ोसी वाले कैसे बकचोदियाँ करते थे है ना, ट्रोल करते थे, तो ये सीन है ना। अभी चल रहे अपन अंदर, भाई गेट बंद होने वाला है भाई, बजे हम 5:30 बजे पहुंचे। तो ये भाई की हवेली सिद्धू मूसे वाले भाई, तो वहाँ पे पापा वापा रहते हैं इनके, सिद्धू मूसे वाले भाई की, और यहाँ पे इन्होंने गाड़ी वाड़ी खड़ी कर रखी है। ये देखो भाई यहाँ पे कितने लोग आए भाई हैं। तो भाई ये देखो ये फोर्ड के ट्रैक्टर हैं भाई के सारे, जो जो सिद्धू मूसे वाले भाई के ट्रैक्टर थे। एक ये है भाई ट्रैक्टर, एक ये है ट्रैक्टर ठीक है, और ये भाई की गाड़ी है सिद्धू मूसे वाले भाई की स्कॉर्पियो। भाई कितना सही कलेक्शन था ना, अच्छा उनको भी थार का कलेक्शन मतलब थार का शौक था, जैसे मेरे को शौक सिस्टम का। हाँ भाई हर वेक में सिस्टम लगे हुए हैं भाई, ये देखो तो उसमें भी सिस्टम लगा हुआ है, और उसमें भी सिस्टम लगा है,
और इसमें भी लगा भाई सिस्टम। एक चीज है ये देखो भाई 5911 नॉट 11 लिखा हुआ, वो गानों में हर बारी कहते थे मैं सारी गाड़ियों के कलेक्शन के 5911 नंबर। तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतनी सिक्योरिटी दे रखी है ना, है ना भाई, इतनी पुलिस भाई, और यहाँ पे स्टैचू वैचू सब है। ये देखो भाई सिद्धू मूसे वाले भाई का स्टैचू, मेरे ख्याल से अंदर म्यूजियम सा बना दिया क्या है, अंदर खाट वाट है, जिम विम है, हाँ हो सकता है जिम करते होंगे यहाँ पे भाई। और यहाँ भी एक स्टैचू है, ये देखो सिद्धू मूसे वाले भाई का स्टैचू, और ये हाथ में टैटू वैटू सब है भाई। तो भाई ये देखो भाई ने ये वाली हवेली बनाई थी लेटेस्ट, बट इसका गेट बंद करा हुआ है यहाँ से, देखो भाई वहाँ फोटो लगी हुई है भाई की। तो अच्छा लगा मेरे को देख के भाई, लास्ट मोमेंट पे मैंने देख ली हवेली, वरना घूम नहीं पाते, मात्र एक मिनट पहले पहुंचे। देखो भाई कितनी सिक्योरिटी रहती है इनके घर के बाहर, गन मैन है भाई, ऊपर गन वन लगी पड़ी है भाई। बस पहले होती तो भाई शायद जिंदा होते हमारे बीच में। बुरा लगता है ये सब देख के कि आदमी की वैल्यू ना उसके जाने के बाद ही पता लगती है। तो भाई इनके एक्सेसरीज बिक रही हैं भाई के नाम की। भाई के अंदर ब्लैक थार थी, एक तुम्हारे भाई की ब्लैक थार है भाई, मैं भी थार का बहुत शौकीन हूँ। अपनी 0007 है, उनकी शायद 0008 थी, फॉर्चुनर भी उनकी शायद 0008 नंबर थी, और 5911 दो नंबर रखते थे सिद्धू मूसे वाला भाई। बाकी ये देखो भाई क्या स्पेस है भाई हवेली का देखो, और भाई अभी पोस्टर वोस्टर चल रहे हैं भाई के नाम के ऊपर, तो ये सीन है, बहुत बड़ी हवेली है ना। तो चलो भाई वहाँ चलते हैं मनीषा। हाँ क्या पहले स्टैचू ना इनका ओपन था, बट अभी आपने देखा वो न्यूज में लड़कियां राखी बांध रही हैं, आ रही हैं, लोग हक कर रहे हैं, तो स्टैचू का ना पेंट वेंट उतरने लगा था, तो इन्होंने कवर कर दिया इसको स्टैचू को। तो ये वैक्स स्टैचू बनाया था सिद्धू मूसे वाले भाई का, ये देखो भाई कितना सही लग रहा है, ये देखो कितनी सारी राखी है भाई, कितने लोग आके राखी बांधते हैं, देख रहे हो मनीष है ना, नेक्स्ट लेवल भाई। तो उसने अभी जो गाने आया है ना अभी डिवाइन के साथ, तो सिद्धू मूसे वाले भाई की एक लाइन है कि पंजाब का मूसे वाला तेरा भाई है भाई, तो ऐसे करके ना भाई सारे भाई मानते हैं भाई पाजी को, तो सब राखी वाखी बांधते हैं। इस स्टैचू की चारों तरफ देखो भाई कितने तगड़ी खेत है भाई, दूर दूर तक पंजाब रियली बहुत सुंदर है भाई। तो भाई मूड ऑफ सा हो गया यार मनीषा, है ना, मेरे को भी हैरानी हो रही है, और मतलब अच्छा भी लग रहा है कि कितना नाम कमा के गए हैं पाजी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा बड़ा मन था कि भाई देखो जैसे, अरे बहन जी नहीं चाहिए, मेरा बड़ा मन था कि मैं मूसे वाले भाई के पास जब ही जाऊंगा जब अपने थार में अलॉयज लगा लूंगा, क्योंकि उनके अलॉयज देख के मैं बहुत ऑब्सेस्ड था, वो ब्लैक कलर की थार देख के, है ना, मैंने कहा भाई अलॉयज लगते ही अब घर नहीं जाऊंगा मैं, सबसे पहले वहीं जाऊंगा पाजी के पास और मिलके फिर जाऊंगा वापस, तब मेरे को अच्छा सा लगेगा कि भाई जो मेरी मोटिवेशन थी, जिनको देख के मैं सीखा ना काम करने का तरीका, ये गाड़ी का पैशन, ये सब, तो अच्छा लगा मेरे को। बस चलें आ जाओ गन्ने का जूस पीते, आ जाओ भाई, बंटा पी रहे अपन यहाँ पे, सुबह से कुछ नहीं खाया, बंटा बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई कॉटन के खेत हैं, ये देखो कॉटन की खेती हो रही है, देखो कॉटन, और ये जस्ट हवेली के सामने हो रही भाई की हवेली, वो व्हाइट वाली देख रहे हो ना। तो बचपन में भाई सिद्धू मूसे वाला भाई यहीं खेलते होंगे यार, है ना बचपन में भाई इन्हीं का, उनका बचपन यहीं बीता होगा भाई, तो सही है भाई, यही यादें रह जाती है भाई, प्यार मोहब्बत से रहा करो, है ना। आई मैं गाड़ी यू टर्न ले रहा था रोड से, तो भाई खूंटा लग गया नीचे, ये देखो भाई ये पूरा खूंटा लग गया, जैक देखता हूँ पीछे करके देखो, तो भाई इस खूंटे के ऊपर चढ़ गई थी गाड़ी, तो भाई देखता हूँ कुछ नहीं हुआ वैसे, तो प्लेट लगी हुई है ना, ये देखो ये प्लेट है, देख रही हो प्लेट ने बचा लिया भाई, चलो भाई साहब सॉरी यार। भाई देखा यू टर्न लेते हुए कैसे खूंटे पे चढ़ गई, मैं फोन पे बात करा रहा हूँ, नीचे खूंटे वैसे ही छोटे छोटे से होते दिखे ही नहीं, वो तो अच्छा मनीषा टायर नहीं चढ़ा खूंटे, नहीं तो टायर ही फाड़ देता, ब्रांड न्यू टायर, मैं भी डर गया भैंस, क्या ये मैप देखते रहना तुम यार। तो भाई इसलिए ना थार को नीचे से पूरा प्रोटेक्ट करके रखा करो जैसे मैंने प्लेट, ये मेरा दूसरा बार ही नुकसान होने से बचा है, पहली बार लद्दाख में जब नीचे पत्थर लगा था तब प्लेट ने बचा लिया था, तो ये सीन है, तो प्रोटेक्शन समझ गया मैं, तो प्रोटेक्शन थार का ना नीचे से करा के रहो, क्योंकि हम सोचते ऑफ रोड आ रहा है कहीं भी घुसेड़ देते हैं। तो भाई अभी अपन पहुंचने वाले हैं रोहतक, रोहतक साइड से अपन एंट्री मारेंगे दिल्ली में, अभी अपन भरवा रहे हैं डीजल, और अभी मैंने ना इसका थोड़ा रिव्यू देता हूँ हल्का से जल्दी से, अभी मैंने 2000 का डीजल डलवा लिया, मैंने इतनी गाड़ी चला ली ना, तो इसका बस रिव्यू मैं यही देना चाहूंगा भाई, इसमें ना भाई गाड़ी गंदी बहुत हो रही है, देखो कितने ऊपर तक छिट्टे छिट्टे आ रहे हैं, देख रहे हो ऊपर तक पानी पानी का छिट्टे विट्टे, पहले गाड़ी इतनी गंदी नहीं होती थी, क्योंकि अब ये टायर बाहर है ना तो कीचड़ पूरी इस पे आती है गाड़ी पे, बाकी भाई अलॉय की हालत देख लो, पूरी मिट्टी विट्टी घुस चुकी है भाई,
देखो आगे का साफ है, पीछे का ज्यादा गंदा होता है भाई। उस साइड जाना तो मनीषा से डिवाइडर चढ़वा रहा हूँ भाई, गाड़ी कर लेना, डरना मत, चीता हो तुम मेरी। हेलो, ओ ओ ओ ओ स्पीड, ओबे मेरी माँ रोक दी। अब यहाँ ये ट्रक आ रहा है, या तो पार कर ले दी, आधी रोड पे रोक के खड़ी है गाड़ी, ये देखो भाई, या तो पार कर लिया करो, पीछे रह तो बीच रोड पे मत रुका करो। क्या यार यार, मुझे मनीषा का एक स्क्रू ढीला है, इसको ना लेट समझ आती है, और बीच रोड पे मोड़ के हजार बार ही बोला है कोने पे या इस पार या उस पार रहा करो। अबे नहीं नहीं, अरे तो घबराना क्या इसमें, या तो चलाओ या फिर रोक लो, जब पूरा खाली होता भी चलाओ। ये क्या करेगी, बीच रोड पे जाएगी अचानक से गाड़ी देखेगी तो एक आदमी होता ना ऐसे करके खड़ा हो जाता बीच रोड पे, ये वो हाल करती है। So, भाई अभी 11:59 हो रहे हैं और सबके फोन आ रहे हैं भाई, भाई सबके फोन आए जा रहे हैं, नितिन वितिन के भाई, अभी देखते हैं होने वाला है। अभी हम नजफगढ़ साइड है भाई, ये देखो भाई, अभी न्यू 2-3 अभी बज गए। कैसे हो, बढ़िया, क्या हाल है, सब्सक्राइबर मिल गए, कैसे हो भाई, बढ़िया, चलो मिलते हैं भाई, फोटो आ जाओ भाई, कहीं जा रहे हैं अर्जेंटली, भागना पड़ रहा है, अगली बार पक्का, चलो ओके, अच्छा भाई बहुत प्यार है, चलो उसको क्लिप दिखाना, ओके भाई, ओके ये आएगा भाई साहब परसों, चलो ठीक, ओके।